अपनी दाल नहीं गलती देख पत्नियों के सहारे संसद यात्रा। बिहार के चार बाहुबलियों ने सेट किया सियासी गेम। बिहार की राजनीति में वर्षों से बाहुबल और बाहुबली का जोर देखने को मिला है। इसी कड़ी में एक बार फिर आगामी लोकसभा चुनाव में ऐसे कई बाहुबली नेता हैं जो खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकते मगर लोकसभा किसी तरीके से पहुंचने की इच्छा इतनी ज्यादा है कि अब अपनी पत्नियों के रास्ते नया प्लान बनाना चाह रहे हैं। लोकसभा चुनाव में ऐसे कई बाहुबली नेता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को पार्टी का टिकट दिलवा दिया और उन्होंने रास्ते लोकसभा इसी रास्ते से वो पहुंचना चाह रहे हैं। और तो और कुछ लोगों ने तो बिना कोई लग्न देखे खरमास में शादी रचा ली। चुनावी समरमया दिखाने की कोशिश हो रही है कि इन बाहुबली नेताओं की पत्नी चुनावी मैदान में है मगर असल में चुनाव वो खुद लड़ रहे हैं। पूर्व सांसद लवली आनंद बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी हैं जिन्हें इस बार शिवहर लोकसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आनंद मोहन खुद 1996 और 1998 में शिवहर लोकसभा सीट से सांसद बने थे। आनंद मोहन पिछले साल अप्रैल में जेल से रिहा हुए थे। अब नीतीश कुमार सरकार ने जेल नियमावली में कुछ बदलाव किए जिसके बाद उनकी रिहाई संभव हो पाई। 2019 में लवली आनंद ने राजद के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा मगर वो हार गई थी। इस बार ठीक से चुनाव से पहले लवली आनंद ने राजद को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गई और शिवहर से चुनाव लड़ रही हैं। अब बात करेंगे बीमा भारती की। बीमा भारती कुख्यात अपराधी अवधेश मंडल की पत्नी है जो इस बार राजद के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। अवधेश मंडल के खिलाफ हत्या और अपहरण के दर्जनों मामले दर्ज हैं और उनकी इच्छा भी बाहुबली और अपराधी प्रवृत्ति की है। अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती 5 बार विधायक रह चुकी है और पिछले दिनों उन्होंने विधायक रहते हुए जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दिया और राजद में शामिल हो गई। वे इस बार पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। अब बात करेंगे विजयलक्ष्मी देवी की। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली विजयलक्ष्मी देवी बाहुबली नेता रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी हैं। रमेश सिंह कुशवाहा का ताल्लुक CPIML से रहा है और शिवजी दुबे हत्याकांड मुख्य आरोपी भी है और जेल भी जा चुके हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में रमेश सिंह कुशवाहा ने अपनी पत्नी विजयलक्ष्मी देवी को जनता दल यूनाइटेड का टिकट दिलवा दिया और वो चुनावी मैदान में है। अब बात करेंगे अनीता कुमारी, इनको तो आप सभी लोग जानते होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में अनीता कुमारी राजद के टिकट पर मुंगेर से चुनाव लड़ रही हैं। अनीता कुमारी नवादा के बाहुबली और आपराधिक प्रवृत्ति के नेता अशोक महतो की पत्नी हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इन दोनों की शादी हो गई? कुछ तो इनको बीच, आपको बता दें, कुछ तो समझौता हुआ होगा। 2023 में अशोक महतो 17 साल जेल काटने के बाद जेल से रिहा हुआ था। 2001 के नवादा जेल ब्रेक कांड में अशोक महतो 17 साल से जेल में बंद था और पिछले साल ही वह रिहा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि अशोक महतो खुद चुनाव लड़ नहीं सकता और इसी कारण से उसने लोकसभा चुनाव अपनी पत्नी के जरिए लड़ने की सोची और फिर इसी खरमास के दौरान उसने अनीता देवी से शादी रचा ली। बताया जाता है कि राज्य सुप्रीमो लालू यादव से आश्वासन मिलने के बाद अशोक महतो ने खरमास में आनंद पड़न में अनीता देवी से शादी की और फिर मुंगेर लोकसभा सीट से RGT का टिकट उसकी पत्नी को मिल गया। तो जनाब, ये राजनीति है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, चलती है सिर्फ राजनीति। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।